Greeting to my YouTube family and friends. Hope you are well by the grace of Lord Jesus Christ. उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरी से होंगे, खुश बाश होंगे. आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप गैस पाइप की लीकेज को बआसानी तरीके से देख सकते हैं. घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सिर्फ करना क्या है कि आपने, मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक ये छन्नी ये कौली लेनी है. आप किसी और बर्तन को भी ले सकते हैं, किसी भी बर्तन को जो आपको बआसानी से मुहैया किया गया है, और इसमें आपने पानी भर लेना है. ये सारा पानी जो भी बर्तन आप लेंगे, बर्तन को फुल कर लेना है, और इस पानी की मदद से आप अपनी गैस की लीकेज को देख सकते हैं. बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, और आप इस लीकेज को ख़त्म कर सकते हैं और बड़े भारी बिलों से बच सकते हैं. अगर आपका गैस पाइप जो लीकेज हो रहा है आपको मालूम नहीं, तो आपका बिल बड़ा आ सकता है. और अगर पाइप लीकेज है, लीक है, तो सारा दिन वो लीक होता चला जाएगा, ज़ाया होता चला जाएगा, और उसका बिल आपको पड़ेगा. जब आप हंडिया बनाएंगे तो फिर तो यूज़ होना ही होना है, लेकिन अगर आप चूल्हा बंद कर देंगे तो वो जो गैस की लीकेज है, जो आपका पाइप है वो लीकेज कर रहा है तो आपको मालूम नहीं है, तो वो पाइप को चेक करने की ज़रूरत है और उसको फौरी बंद करने की ज़रूरत है. तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि लीकेज को कैसे ख़त्म करें, और उस पर नोज़ल लगा दें जहाँ पे लीकेज है. अगर वो कोई सुराख है तो उसको काट के उसे थोड़ा पाइप को थोड़ा आगे कर लें और नोज़ल लगा लें, और लीकेज को रोक सकते हैं. बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका वाकई आपको पसंद आएगा. पाकिस्तान में तो अक्सर एक घर में गैस लगा हो तो उसने दो तीन घरों को दिया होता है, तो पाइप के जो मेन पाइप है उसमें काफ़ी जोड़ पाए जाते हैं, तो वो अक्सर औकात गर्मी की वजह से या वो कट लगने की वजह से लीक हो जाता है पाइप, तो किसी को पता नहीं चलता. तो महीने में एक दफ़ा लाजमी पाइप को, सारे पाइप को चेक किया करें, और ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप अगर चेक करेंगे तो 100% आपको पता चलेगा. बारीक से बारीक भी जो सुराख है, लीकेज है, वो आप बड़ी बआसानी से देख सकते हैं और उसको फौरी बंद कर सकते हैं. बड़ा आसान तरीका है. करना क्या है, एक बर्तन लेना है और उसमें पानी भरना है. आइए देखें ज़रा, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको जोड़ दिखाता हूँ. एक जोड़ यहाँ पे लगा हुआ है और एक जोड़ हमारा यहाँ पे लगा हुआ है. ये टैंकी का पाइप है, ऊपर जा रहा है, और एक जोड़, दो जोड़ हो गए. और इसके बाद नीचे अगर आए हम, यहाँ पे भी हमारे दो जोड़ लगे हुए हैं, एक जोड़ ये है और एक जोड़ ये है. और इसके साथ ये हो गया पांचवा जोड़, और यहाँ पे जाके ये हो गया हमारा छठा जोड़ जो मेन पाइप से आ रहा है. अब अगर आपके घर में ऐसे जोड़ लगे हुए हैं और लीकेज हो रही है, आपको पता नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आपको चाहिए कि पहले सारे पाइप को देखें. और सबसे आसान तरीका देखने का और जांचने का कि कहीं वो लीकेज तो नहीं हो रहा, तो आज इस वीडियो में, आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पाइप, जो आपका गैस वाला पाइप है, उसकी लीकेज को देखने के लिए आप कौन सा आसान तरीका अपनाएँगे. मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगा, बड़ा ईजी वे में आप देखेंगे. अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपको लीकेज अपने पाइप को देखने की ज़रूरत है. तो आए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने सारे जो पाइप है, जो जोड़ लगे हुए हैं, इसको देखने के लिए कहीं लीकेज तो नहीं है. जैजियल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पाइपिंग ये क्या होता है? जैजियल क्या कर रहे हो पाइप के साथ, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? नथानियल
मिथेनियल मिथेनियल प्योर हो रहे हो। तो चलो व्यूवर्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लीकेज को देख सकते हैं। अब वाज़ा लीकेज को देखने के लिए आपने एक कॉली लेनी है, आप किसी बड़े बर्तन को भी ले सकते हैं इजीली, जैसे आपको मुहैया हो। तो इस बर्तन में आपने पानी ले लेना है, पानी को भर लेना आपने बर्तन को। जब ये फुल हो जाए तो टोटी बंद कर दें। अब इसी बर्तन को आपने उस हिस्सा पर ले जाएं जहाँ पे लीकेज है, या आप देखना चाहते हैं कि लीकेज हो रही है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पे हमारी लीकेज हो रही है। तो ये जब बर्तन को आप पाइप के साथ जैसे ही लगाएंगे तो ये ऐसे बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपके पाइप की लीकेज हो रही है। तो ये देखें, ये हमारी यहाँ पे लीकेज हो रही है। तो ये आपको बता देगा कि ये लीकेज हो रही है, ऐसे बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारी लीकेज हो रही है, तो मैं इसको टाइट करके बंद कर दूंगा। वैसे तो ये मज़बूत पाइप है, तो आप ये जो ऊपर नोज़ल देख रहे हैं, अगर पाइप मज़बूत है, अच्छी क्वालिटी का है, तो नोज़ल ना भी लगाए तो ये लीकेज नहीं करेगा। अब हम दोबारा इसको जब देखेंगे पानी लगा के, तो देखते हैं कि यहाँ पे लीकेज है कि नहीं। अब देखें, अब मैंने ये सारा पाइप जहाँ पे जोड़ लगा हुआ था, सारा पाइप इस बर्तन में जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है ये नीचे तक ले गया, तो ये बुलबुले नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि लीकेज नहीं है। अब और जो दूसरे जोड़ हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे लीकेज हो रही है कि नहीं। एक हमारे पास ये जोड़ है, इस जोड़ को इस बर्तन के नीचे ले जाना है। ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो सिर्फ एक दो बुलबुला बन रहा है। इसका ये मतलब है कि ज़रा सी लीकेज हो रही है। ये देखें, अब नीचे जाएंगे और अपने तीसरे जोड़ को देखेंगे। अब ये तीसरे जोड़ को मैं देख आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने इस सारे पाइप को नीचे ले गया, तो यहाँ पे भी लीकेज हो रही है हमारी। अब देखें पाइप, ये तीन कनेक्शन है, एक मेन पे है और ये तीन जोड़ लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलबुले बन रहे हैं। इसका मतलब है कि लीकेज हो रही है। इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं कि गैस के पाइप से गैस लीक हो रही है कि नहीं। तो मैं फिर से बताता चला जाऊं, आपने किसी बर्तन को लेना है, उसको पानी से भर देना है, और जहां पे जोड़ लगे हैं या पाइप आप समझते हैं कि लीकेज हो रहा है, तो उस सारे पाइप को उस बर्तन के नीचे ले जाना है, पानी के अंदर डिप कर देना है, सारा आपने डुबो देना है। जब आप डुबोएंगे तो ये बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लीकेज हो रही है, इसको आपने ठीक करना है। तो ये एक तरीकाकार है कि आप अपने गैस वाले पाइप की लीकेज को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं और बड़े भारी बिलों से बच सकते हैं। तो ये तरीका बड़ा आसान है। आपको अगर ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप इन्जॉय करें। तो ये तरीका ज़रूर आपने इख्तियार करना है, आपने आज़माना है किसी भी जगह।
आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते, जहाँ पे लीकेज हो रही है गैस का पाइप है, तो आपने आप बड़ी आसानी से लीकेज को देख सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं।